हाय दोस्तों नमस्कार, मैं योगेंद्र पवार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर योगेंद्र पवार में। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल मिस्टर योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों पास वाले घंटी बटन को भी आप दबा दीजिए जिससे आपको आने वाली प्रत्येक लेटेस्ट और ऑफिशियल वीडियो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और सबसे तेज और सबसे ऑफिशियल चैनल दोस्तों मिस्टर योगेंद्र पवार है, इसलिए आप दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों बढ़ते आज की लेटेस्ट अपडेट में। आपने जो भी फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी उन्होंने जीके ग्रुप ए का जो फर्स्ट पेपर दिया होगा और कल भी हिंदी क्या संस्कृत और राजस्थान के पेपर था उसमें उपस्थिति को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। कितने का उपस्थिति रही दोस्तों, उपस्थिति आप मान सकते हैं कि दोस्तों 50% से भी कम, 45 से 50% के मध्य उपस्थिति रही बहुत दोस्तों, बहुत ही कम होती है उपस्थिति। और इस प्रकार की उपस्थिति से लगता है कि दोस्तों कितने एब्सेंट रहे और किस कारण से रहे, आप सभी को मालूम होगा कि जो भी अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू किया था और उनका आंदोलन वैसे सफल नहीं हो सका और डेट है वो स्थगित नहीं हो सके। लेकिन दोस्तों सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, उसकी भी बात करेंगे तो एग्जाम सेंटर भी बहुत दूर थे, अलग अलग संभाग में थे, इस कारण दोस्तों वो एग्जाम नहीं दे पाओ। इस प्रकार की कमी के कारण ही आपकी उपस्थिति वो कम रही है। RPSC फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 इतनी कम उपस्थिति उत्तर ऑप्शन में ही नहीं दोस्तों, कुछ कुछ सवाल ऐसे थे जिनके उत्तर ऑप्शन में नहीं होते। वर्तमान में जो स्थिति है उससे संबंधित जो सवाल थे आप कह सकते हो करंट अफेयर्स में जो वर्तमान में जो स्थिति है करंट अफेयर के सवाल के हिसाब से वो दोस्तों उसमें ऑप्शन में उत्तीर्ण थे, तो उसी के लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। बोनस अंक मिलेंगे पक्के दोस्तों, बोनस अंक मिलना वो मिल सकता है बोनस अंक आपको इसमें। और पुराना पेपर बांटा, नए सवाल गायब दोस्तों, नए सवाल थे 2019 वो थे नहीं, 2019 के एक भी सवाल नहीं था और 2018 से संबंधित ही सवाल थे। स्कूल वैकेता परीक्षा संस्कृत व राजस्थानी की परीक्षा में आधे से कम अभ्यर्थी शामिल, अजमेर से न्यूज है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूली व्याख्याता परीक्षा 2018 के तहत शनिवार को संस्कृत के पेपर में 44.84 तथा राजस्थानी विषय के पेपर में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 44.18% रही। संस्कृत पेपर आप मान सकते हो दोस्तों, जो संस्कृत का एग्जाम हुआ था दोस्तों कल, उसमें 44.84 दोस्तों उपस्थिति बहुत ही कम होती है। राजस्थानी में तो वैसे भी स्टूडेंट कम ही होते, तो इसमें तो ये मान सकते हैं कि उपस्थिति ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों संस्कृत जैसी बड़ी सब्जेक्ट में इतनी उपस्थिति कम रही है, मतलब आप मान सकते हो कितने अभ्यर्थी एब्सेंट रहे इसमें। संस्कृत पेपर के पंजीकृत अभ्यर्थी 51,707 में से 23,188 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 28,519 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। राजस्थानी विषय में पंजीकृत 1,625 अभ्यर्थियों में से 718 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 907 ने परीक्षा नहीं दी दोस्तों। राजस्थानी में भी ये हाल रहा, कल भी 44 के आसपास उपस्थित रही। संस्कृत के पेपर में अजमेर में उपस्थित 1,000, ये आप इसमें देख सकते हो, अलग अलग प्रकार के डाटा दिए हुए, लेकिन आपको ये देखना नहीं, आपका कुल के हिसाब से आप देख सकते हो 44.84 उपस्थित रही है। आयोग के उप सचिव सुशील चंद्र जैन ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्र में परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई दोस्तों, शांतिपूर्ण तो संपन्न हुई, लेकिन दोस्तों एग्जाम सेंटर थे, एग्जाम सेंटर अलग अलग संभाग में थे। जैसे मैं बात करूँ, मैं पाली से हूँ तो दोस्तों मेरा सेंटर वैसे उदयपुर पास में था, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ के ऐसे सेंटर आए जो अलग अलग संभाग में भी थे। वैसे मेरा भी अलग संभाग है, मेरा जोधपुर संभाग है दोस्तों, संभाग जो मिला मेरे को उदयपुर मिला, वैसे उदयपुर पास में, लेकिन जिनको जयपुर मिला वो बहुत दूर है। स्कूल वैकेता भर्ती परीक्षा 2020 के सवाल 2018 के पत्रिका से न्यूज है। एक सवाल पूरी तरह गलत, बोनस की उठी मांग, जयपुर जोधपुर शिखर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी में संभागवार परीक्षा केंद्र बदलने और तिथि बढ़ाने के विवाद के बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के शुक्रवार से स्कूली वैकेता भर्ती स्कूल लेक्चरर रिक्रूटमेंट प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन आधे से भी कम परीक्षार्थी केंद्र पहुंचे। विशेष बात यह रही कि सामान्य ज्ञान के पर्चे में वर्ष 2019 का एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, यानी गत वर्ष का कंट जीके गायब था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह परीक्षा फरवरी 2019 में प्रस्तावित थी, ऐसे में RPSC ने एक साल पहले प्रश्न पत्र छपा लिया था, इससे मालूम पड़ रहा है ऑप्शन में ही उत्तर नहीं। प्रश्न पत्र में एक सवाल पूछा गया कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है, इसके ऑप्शन में 4, 5, 6 व 7 दिए गए, जबकि एक्सपर्ट का कहना है कि वर्तमान के हिसाब से 8 राजनीतिक दल पंजीकृत थे, जबकि 2018 के हिसाब से बात करें तो 7 ऑप्शन सही होता। अगर तो दोस्तों लड़कों ने जो तैयारी की वो वर्तमान के हिसाब से तैयारी, क्योंकि पेपर वर्तमान में दिया है, लेकिन दोस्तों आंसर थे वो सभी पुराने थे, लेकिन जिन्होंने 7 किया उनके RPSC सही मान सकती है। बोनस की बात इसमें करेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों बोनस RPSC के ऊपर डिपेंड है, RPSC 7 भी इसका उत्तर सही मान सकती है। खास बात यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में
अमूमन सरकार की योजना व विभाग के नवाचारों संबंधी प्रश्न भी परीक्षा से 10 दिन पहले तक के पूछे जाते हैं, लेकिन स्कूल वैकता भर्ती के पहले प्रश्न पत्र में सरकारी योजना व नवाचार भी क्लीन बोल्ड हो गए। मतलब ऐसे कोई सवाल थे नहीं जो नई योजना से संबंधित हो, जैसे मोदी 2.0 कार्यकाल है, इसके सवाल भी बहुत कमी थे। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस साल के हिसाब से करंट अफेयर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुराना प्रश्न पत्र होने की वजह से पहले प्रश्न पत्र में ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। रोचक, करंट अफेयर में 10 साल पुराना सवाल भी। इसमें एक सवाल ये भी आया था कि जो कार्यक्रम वर्ष 2009-10 में के बजट भाषण में शामिल किया गया था, कौन सा सवाल था इसमें लिखा गया हुआ, महिला सशक्तिकरण हेतु सात सूत्रीय कार्यक्रम, ये सवाल आया था। मतलब बहुत पुराना सवाल है, इन सवालों से साबित हुआ करंट अफेयर पुराना। एक तो ये सवाल था, फिर निर्माता व लेखिका कल्पना लाजमी को लेकर सवाल पूछा गया, इसका निधन 2018 में हुआ, इस लिहाज से सवाल पूछा गया। मतलब 2018 की बात है भी। 26 सितंबर 2018 को आधार योजना अधिनियम बाद में उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीश के संविधान पीठ के निर्णय के न्यायाधीशों में से किसने बहुमत के निर्णय से समिति दी, ये भी पुराना सवाल है। और आप यहाँ सामने देख सकते हो सब पुराने सवाल ही थे। और दोस्तों एक मैं आपको बात करना चाहूँगा, बोनस अंक की जो बात करें अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले, दोस्तों मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कहूँगा कि अभी तक ऐसी कोई बात है नहीं बोनस के बारे में, बोनस मिलेगा दोस्तों। पूरा पेपर होने दो एक बार, 13 तारीख के बाद में मैं बता दूंगा कौन से सवाल हैं बोनस मिल सकता है। RPSC लगभग बोनस कम ही देती है। और दोस्तों जो 6 जनवरी का जो कल आपके एग्जाम है GK में, जो करंट अफेयर की तैयारी करें उनसे मैं कहना चाहूँगा, इस प्रकार के पेपर जो आपने देखा है GK ग्रुप ए का पेपर, GK एंड जनरल अवेयरनेस का, तो उसमें जो सवाल आया वो बहुत लगभग पुराने सवाल ही आए थे। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा जो भी 2018 के जो भी सवाल है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो दोस्तों वो आप याद करें, अधिक से अधिक 2018 के सवाल याद करें, क्योंकि 2019 के सवाल बहुत इसमें कमी थे। तो दोस्तों ये आप रणनीति अपना सकते हो तो आपके करंट अफेयर के सवाल, बहुत सारे सवाल सही हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट वीडियो जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों इसी प्रकार की आप लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर योगेंद्र प्रभाव को सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोस्तों पास में बेल आइकन को भी दबा दे। आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।